हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है आरआरबी जेई सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम है आज से स्टार्ट हो चुका है। तो आज जो है पूछे गए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आपको यहाँ पे सबसे पहले नॉन टेक क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाएगा, फिर टेक्निकल से क्या क्वेश्चन आपका पूछा गया था उस पर भी हम लोग देख लेंगे। तो आई होप यहाँ पर जो क्वेश्चन का लेवल था इजी टू मॉडरेट था, तो यहाँ पर जो कट ऑफ जाने वाली है आपकी हाई जाएगी कट ऑफ यहाँ पर, क्योंकि जो है न्यूमेरिकल का पोर्शन भी जो है आपका टेक्निकल वाले क्वेश्चन से काफ़ी कम था। और तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या क्या क्वेश्चन आज पूछा गया है, ताकि जिन कैंडिडेट का एग्ज़ाम जो है आपका 29, 30, 31 या 1 के बीच में है तो उनको आइडिया लग सकता है। तो पहले हम लोग नॉन टेक क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद टेक्निकल को भी देख लेंगे कि किस किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर से क्वेश्चन था आपका, फुल फॉर्म पूछा गया था बीसीडी कंप्यूटर का। तो बीसीडी का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है, जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते होंगे उनको भी आइडिया होगा बीसीडी का फुल फॉर्म। और यहाँ से टेक्निकल से एक कन्वर्जन से भी क्वेश्चन आया था कि सिंपल बाइनरी को आपको जो था डेसिमल में बदलना था, तो मे बी आपका कन्वर्जन से यहाँ पर क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन से, ब्रांच वाइज अगर हम बात करते हैं तो। अगला क्वेश्चन था कि जो HTML होता है इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं। जो HTML जो होता है एक ब्राउज़र होता है जहाँ पे हम लोग वहाँ पे सर्च करते हैं, तो ये एक तरीके का ब्राउज़र सर्च था आपका। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था कि यहाँ पे जो है विच प्रिवाइंड अनथोराइज एसेस, तो फायर विल यहाँ पे जो था वो आंसर था। एक क्वेश्चन था आपका साइज A3 पेपर का जो डायमेंशन यहाँ पे पूछा गया था, तो फिलहाल डायमेंशन आपका यहाँ पे देख सकते हैं डायमेंशन का रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन था आपका कन्वर्ट करना था 32 डेसिमल को आपको यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट करना था, तो इजीली जिन कैंडिडेट को पता होगा आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। भाग दे के जितना वहाँ पे शेष बचता है उसका यहाँ पे नीचे से ऊपर तक हम लोग उसका लिख देते हैं, तो वो हमारा कन्वर्टर होता है। देखिए यहाँ पे फिर जो है कन्वर्ट डेसिमल को यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट करने का यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, तो कन्वर्जन से क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया था कंप्यूटर्स में भी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे जो है ब्रांच वाइज यहाँ पे काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। तो 32 को आपका एक डेसिमल को बाइनरी में बदलने के लिए पूछा गया था और 45 को भी बाइनरी में, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये, मैक्सिमम लोग जो है इसका मतलब कन्वर्ट कर सकते थे। प्राइमरी मेमोरी यहाँ पे पूछा गया था, तो प्राइमरी मेमोरी जो होता है रॉम होता है, रीड ओनली मेमोरी जिसको हम बोलते हैं, और एक होता है रैम एक्सेस मेमोरी जो फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कभी काल। अगला क्वेश्चन है विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ ए हार्डवेयर, तो यहाँ पे हार्डवेयर का एक पार्ट नहीं है, तो हार्डवेयर एक अलग चीज़ है और सॉफ्टवेयर एक अलग चीज़ है। तो हार्डवेयर में वो चीज़ें आती हैं जो इसको आपको टच कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर में आप सिर्फ फील कर सकते हैं। तो कंप्यूटर से काफ़ी सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था कि विच वन इज़ इम्पैक्ट प्रिंटर, तो प्रिंटर की तरफ यहाँ पे कौन है, तो आप देख सकते हैं डॉट मैक्स प्रिंटर होता है, डेजी व्हील प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर, ये सब प्रिंटर के जो हैं आपके एग्जांपल होते हैं। और एक क्वेश्चन आपका हुआ था बाइनरी फॉर्मेशन ऑफ ए नंबर, तो बाइनरी फॉर्मेशन में बदलना था यहाँ पे, तो आप जो था यहाँ पे 0 1 सिंपली यहाँ पे बदलना रहता है क्वेश्चन को बाइनरी में। एक क्वेश्चन था फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, तो एग्जीक्यूट करता है एंड द प्रोवाइड सर्विस ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेसिक इन्वायरमेंटल से अब क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं, बेसिक इन्वायरमेंटल या पॉल्यूशन कंट्रोल से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन से क्वेश्चन था आपका, ओजोन लेयर डिप्लीशन से क्वेश्चन था। फिर आपका जो था एक डेट था आपका, डेट यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर के यहाँ पे कब जो है डेट दिया गया था, तो आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं 26 अप्रैल 1986 को। यहाँ पे जो नंबर ऑफ 4 न्यूक्लियर रिएक्टर यहाँ पे जो है सिटी में जो थे पानी प्रयात द नॉर्थ यूनियन एसएसआर, तो इस टाइप का क्वेश्चन था। एक आपका क्वेश्चन था एनवायरमेंटल जो एक्ट है इंट्रोड्यूस कब, एनवायरमेंटल जो है कब एक्ट मतलब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये जो है आपका 1986 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो अगला क्वेश्चन था ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, तो वाटर वेपर गैस कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ओजोन, ये सब जो है ग्रीन हाउस गैसेज के एग्जाम्पल होते हैं आपके। अगला क्वेश्चन यहाँ पे था CFCs रिस्पॉन्सिबल फॉर द, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम बोलते हैं CFC, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है।
और एक आप क्वेश्चन यहाँ पर था एसी ड्रेन किस चीज़ का रीज़न होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के यहाँ पे इस क्वेश्चन था। जनरल नॉलेज से आप क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे जनरल नॉलेज से भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे जो है पूछा गया था, यहाँ पे फेस्टिवल से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे जो था आपका छफकर जो कुट का फेस्टिवल है वो किससे रिलेट करता है इंडिया में, तो मिज़ोरम से ये आपका रिलेट करता है। तो आपको जितने भी फेस्टिवल हैं यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, और ख़ासकर इंडिया का ही फेस्टिवल यहाँ पे पूछा गया था। यहाँ पे एक टूर्नामेंट से क्वेश्चन आया था कि जो टूर्नामेंट हुआ था विश्वनाथ आनंद जो है 2017 में जो थे, तो विश्वनाथ आनंद जो है चेस ग्रैंड मास्टर हैं, और ये इनको जो है वर्ल्ड रैपिड चेस चैम्पियनशिप मिला था 2017 में, और ये रियाद सऊदी अरब में जो था ये हेल्ड हुआ था मतलब। तो ये आपका देखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आपका आया था करेंट अफेयर से। अगला क्वेश्चन था बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियन मिक्स डबल 2019, तो बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियन में जो मिक्स डबल था वो आपका बैसेल और स्विट्जरलैंड था। बाकी भारतपुर फॉल्स इज द राजस्थान में आपका पड़ता है, आनंद निकोबार सिचुएटेड ऑन द वे ऑफ बंगाल में होता है, अंडमान और निकोबार जो है बंगाल के आसपास पड़ता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे था हु इज द 13 चेयरमैन फाइनेंस इज कमीशन, तो 13 चेयरमैन फाइनेंस कमिश्नर जो हैं डॉक्टर विजय एल कलकर हैं, जो 2007 में यहाँ पे इनको तो वो किया गया था। क्वेश्चन आपका एक नेचुरल सेटेलाइट से क्वेश्चन था, तो नेचुरल सेटेलाइट जो है फिलहाल हम लोगों का जो मून है चंद्रमा ही हमारा नेचुरल सेटेलाइट है। कांची वाज इज कैपिटल, तो पलावा डायनेस्टी, तो यहाँ पे कैपिटल से भी क्वेश्चन और करेंसी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है अलग अलग कंट्रीज़ के। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और था हु प्रेजेंट द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिया, इंडिया का में सबसे पहले फर्स्ट मतलब जो यूनियन बजट है कौन पेश किया था, तो फर्स्ट यूनियन बजट जो था वो इंडिपेंडेंट इंडिया वाज प्रेजेंटेड बाय शंखमुखम चेट्टी, यानी 26 नवंबर सन 1947 को जो है ये रिप्रेजेंट किया था। डबल फॉल्ट रिलेटेड टू विच गेम, तो डबल फॉल्ट का जो गेम है वो किससे रिलेट करता है, तो ये जो होता है आपका टेनिस से रिलेट करता है, और डबल फॉल्ट जो होता है आपका टू कन्वेक्शन फॉल्ट होता है ड्यूरिंग द सर्विस, तो ये आपका जो है टेनिस यहाँ पे आंसर था आपका। चेयरमैन आपका पूछा था नेशनल बैकवर्ड क्लास का, तो ये थे मिस्टर भगवान लाल सानी। अगला क्वेश्चन था व्हेन इंडिया वाज डिक्लेयर एज द रिपब्लिक, तो इंडिया वाज डिक्लेयर द स्वगेंस डोमेस्टिक एंड रिपब्लिक स्टेट द एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पे अब हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स में यहाँ पे क्वेश्चन अमोनिया सल्फेट का फार्मूला यहाँ पे पूछा गया था, तो NH4 का होल ट्वाइस SO4 होता है। क्विक नेम आपका यहाँ पे फार्मूला पूछा था, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो क्विक नेम होता है। ओजोन डिप्लीशन लेयर के कौन सा जो है मेन मतलब फॉर्म होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन था यहाँ पे। तो आई होप दोस्तों यहाँ से जो है नानटेक से यही सारे क्वेश्चन थे। टेक्निकल से अगर हम बात करते हैं तो टेक्निकल से आपका सिंपल क्वेश्चन थे, मटेरियल से क्वेश्चन जो है 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिला हुआ था कि मैग्नीन और कॉन्स्टेनन से क्वेश्चन था कि किसका बने होते हैं आपके, और यहाँ पे जो है फ्यूज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका दिया था कि फ्यूज का जो है किस मटेरियल का बना होता है। रेजिस्टेंस आपको इक्वेलेंट सिंपल एक न्यूमेरिकल था छोटा सा, इक्वेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था। और यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन आपका था ये आपका मेजरमेंट से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे कि एनर्जी मीटर किसका पावर मेज़र करता है किलोवाट आवर में की किस में, और MP यहाँ पे बैटरी की रेटिंग्स दी हुई थी कि बैटरी की रेटिंग किस में होती है। तो सिंपल ही क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिले हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से भी। तो आई होप यहाँ पे जो कट ऑफ जाने वाला है वो काफ़ी जा सकता है यहाँ पे कट ऑफ, क्योंकि पेपर का लेवल अभी स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा लो है। बाकी यहाँ पे जो है न्यूमेरिकल उतना नहीं पूछा गया था, टेक्निकल मतलब ब्रांचेस से न्यूमेरिकल उतने नहीं थे आपके, नॉर्मली क्वेश्चन आपका जो था ये पूछा गया था। इंसुलेटिंग मटेरियल से यहाँ पे एक टेम्परेचर का क्लासिफिकेशन भी पूछा गया था जो क्लास YABC करके होता है आपका, तो वहाँ से भी क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिले थे। तो आई होप दोस्तों ये जो था टेक्निकल के मतलब रिलेटेड जो क्वेश्चन थे सिंपली थे,
और नैनटेक में मैंने हम लोग ने देखा ये देख ही लिया कि क्या क्या क्वेश्चन जो थे वो आपके पूछे गए थे। तो देखिए टेक्निकल से रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो हैं आएंगे सेपरेट, मैं वहाँ पे वीडियो बनाऊँगा को किस किस एरिया से क्वेश्चन जो है आपका टेक्निकल से उठा हुआ है। फिलहाल बस इतना जानिए कि क्वेश्चन का लेवल काफ़ी ईजी था टेक्निकल में अगर बात किया जाए तो सेपरेट उस पर भी हम लोग वीडियो बना के देखेंगे। तो